अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू आर्क कैपेसिटर। सबसे पहले तो हमें ये इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहिए कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी जब एसी अल्टरनेटिंग सोर्स है वो एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जस्ट लाइक दिस। हम लोगों ने यहाँ से क्या किया है कि एक कैपेसिटर को एक बल्ब के साथ जो है अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ सीरीज तरीके में कनेक्ट किया हुआ है। जो ही हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वो बल्ब लाइट अप होना शुरू हो जाता है, यानी कि बल्ब जो है वो जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम लोग यही कहेंगे कि हमें पता है कि एसी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट में से जो है वो फ्लो कर सकता है और रेजिस्टर में से फ्लो कर सकता है, लेकिन कैपेसिटर में कैसे फ्लो करता है ये क्लियर नहीं है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे कि एक कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव वाले के साथ नेगेटिव चार्ज आता है। जो ही हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन उल्ट करते हैं तो हमारे पास इसके करंट की डायरेक्शन जो है वो भी उल्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है वो अपनी पोलैरिटीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है, चेंज करता है। अब देखिए, जो ही हम क्या करते हैं, इनिशियली जब किसी एक कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ करंट जो होती है वो मैक्सिमम फ्लो होती है, लेकिन चार्ज है इनिशियली वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस वक्त जीरो होता है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ही क्या किया जाता है, किसी एक कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसमें करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, जबकि अल्टरनेटिंग सोर्स उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम अभी होती है इनिशियली। तो हमें पता है कि हम लोगों ने जो है वो एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, उसकी इक्वेशन पढ़ी थी क्यू इज इक्वल टू सी वी, और हमें अल्टरनेटिंग सोर्स जो है उसका पता है, जिस तरह हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे पढ़ा हुआ है, वी इज इक्वल टू साइन ऑन ओमेगा टी। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास चार्ज जो इस कैपेसिटर के ऊपर आएगा उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमारे पास क्या, डेल क्यू ओवर डेल टी। हम लोगों ने ये देखा है कि जो ही हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को उस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, इनिशियली उसमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान वो जीरो कंसीडर होता है, जबकि करंट जो फ्लो होना शुरू हो जाता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसको हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव भी ड्रा कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो, जिस तरह मैंने अभी बात की थी, इनिशियली अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो ये रेड कलर की लाइन है वो हमारे पास वोल्टेज को शो कर रही है, वो इनिशियली हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जो ही हम चार्ज के लिए किए तो वो जीरो था, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट जो उस सर्किट के अंदर होती है वो फ्लो होती है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इनको ए बी सी या किसी भी एक सर्किट के ऊपर या पी एन आर एस टी हर एक पॉइंट पर देखें, तो ये अगर मैं इस पर कंसीडर करूं, ओ पर, ओ पर हमारे पास करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू जो है वो जीरो है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट मूव करता हूं कि ये 90 पर चली गई है, तो ये मूव करके आगे जो है वो 270 पर चली गई है। अगर मैं इसको जो है ऑब्जर्व करता हूं पॉइंट बी पर कि वोल्टेज जो है वो 180 पर है, जबकि हमारे पास करंट जो है वो आई आर के ऊपर जो है वो हमारे पास 270 पर चला गया है। तो इन शॉर्ट अब मैं यहाँ पर इन वेव्स को जाए जहां पर भी जिस पॉइंट पर मर्जी जो है वो ऑब्जर्व करूं, मुझे यहां से दिखने से ये पता चल रहा है कि करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय द फेज ऑफ 90, जिसको हम लोग पाई बाय 2 भी कहते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर जो है वो करंट जो है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास चौके दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है, हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं कि किस तरह ये फेज एंगल इनके दरमियान होता है। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने बोला था कि हमारे पास करंट जो है वो बाय द फेज ऑफ 90 क्या करता है, वोल्टेज को लीड करता है, तो इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, जबकि जो वोल्टेज इनिशियली जीरो होता है उसको हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। तो यहां से ये हमें पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है, उसको बाय द फेज ऑफ 90 जो है वो लीड कर रहा है, करंट जो वोल्टेज को लीड करता है। अच्छा, अगर हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, तो हमें पता है इन चार्जेस या करंट जो इस सर्किट के अंदर फ्लो होता है उसको अपोजिशन फेस करना पड़ती है, और उस अपोजिशन का नाम इन दिस केस जो है वो हम लोग रखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको हम लोग एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, जिस तरह आर जो है वो वी ओवर आई के इक्वल होता है, सिमिलरली यहाँ पर जो हमने कनेक्ट किया अल्टरनेटिंग सोर्स से और जो वोल्टेज फ्लो होगी वो वी आर एम एस होगी, जबकि जो करंट फ्लो होता है वो आई आर एम एस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस।
अब हमें पता है कि ये वाली जो हमारे पास रिएक्टेंस होती है वो क्या करती है, वो अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये सोर्स और ये जो करंट की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रही है। तो हम लोगों को पता है कि ओमेगा जो है वो 2πf के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि ये जो किसी भी कैपेसिटी की रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटी रिएक्टेंस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो तो एक ही कैपेसिटेंस सेम होगी, 2π भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन बनता है वो xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। मीन टू से कि ये जो कैपेसिटी रिएक्टर्स होती है वो अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अल्टरनेटिंग सोर्स की वैल्यूज है वो ज्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, और अगर अल्टरनेटिंग सोर्स की वैल्यूज है वो कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगी।